हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्पेशल गुरुजी जीएम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल में नए नए व्यूअर्स हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। फ्रेंड्स, आइए आज मैं आप लोगों को हिंदी वर्णमाला के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, हिंदी वर्ण तालिका है ये, आइए जानते हैं वर्ण तालिका में क्या क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, वर्ण तालिका के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। ये स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक हर्ष स्वर और एक दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में ये अ ई उ री, ये चार स्वर हैं, और दीर्घ स्वर में आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर में सात स्वर हैं और हर्ष स्वर में चार हैं। ये अ ए उ री है और ये आ ई उ ए ऐ ओ औ दीर्घ स्वर में बड़ा बड़ी ई और बड़ा उ है। आइए देखते हैं इसमें व्यंजन में कितने व्यंजन, कितने प्रकार के। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आगत व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन। ये कितने प्रकार के हो गए, ये पांच प्रकार के हैं व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन में क्या क्या है। क वर्ग से प वर्ग तथा ळ ढ, ये 25 प्लस 2 है, ये 27 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। क वर्ग से प वर्ग तक 25 और ये दोनों दो मिलके 27 स्पर्श व्यंजन हैं। फिर अंतःस्थ व्यंजन, ये य र ल व, ये चार व्यंजन हैं अंतःस्थ व्यंजन। फिर उसके बाद ये ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में जो है ये श श स ह, ये बड़ा स है, ये मूर्धन्य स है, ये छोटा स और ह है, ये ऊष्म व्यंजन है। आइए देखते हैं ये आगत व्यंजन में कौन कौन है। आगत व्यंजन में ज और फ है, ये दो व्यंजन हैं आगत व्यंजन में। ये संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में छ त्र ज्ञ स्र, ये चार व्यंजन हैं संयुक्त व्यंजन में। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यूपी टेट सी टेट में ज़रूर आता है और ये जीआईसी पेपर के लिए मस्ट है। ये देखिए, स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतःस्थ व्यंजन 4 हैं, ऊष्म व्यंजन 4 हैं और ढ को छोड़कर व्यंजन जो है 33 हैं पूरे। ये देखिए, स्वर की संख्या 11 है और कुल व्यंजनों की संख्या 41 है, सब मिला के 52 है। ये देखिए 52 व्यंजन है। आइए मैं बताती हूँ हिंदी वर्ण माला पुनर्विविलोकन में। ये फर्स्ट है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्वर कहते हैं। और नेक्स्ट है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये देखें,
जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आइए देख पहचानते हैं कौन कौन से हैं। ये देखिए ह्रस्व स्वर हैं अ ई उ री, ये ह्रस्व स्वर हैं, इसमें कम समय लगता है। मूल स्वर हैं अ ई उ री, ये मूल स्वर हैं। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये बड़ी है और ये बड़ा ऊ है, ये दीर्घ स्वर है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। ये देखिए दीर्घ संधि स्वर, ये आ बड़ी ऊ, ये दीर्घ स्वर है, संधि स्वर है। नेक्स्ट है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर हैं ए ऐ ओ औ, ये संयुक्त हैं। आगत स्वर हैं आ, अग्र स्वर हैं ई ई, ये छोटी है, ये बड़ी है, ए है ऐ है, इसका उच्चारण है ई ए ऐ। ये मध्य स्वर हैं अ, अ जो है मध्य स्वर है। नेक्स्ट है पश्च स्वर आ उ ऊ ओ औ आ, ये पश्च स्वर हैं, ये संवृत्त स्वर किसको कहते हैं? ई ई उ ऊ, ये छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ये अर्ध स्वर संवृत्त स्वर हैं ए ओ, विवृत हैं, ये विवृत स्वर कौन से हैं? आ ऐ। अर्धविवृत स्वर ए अ ओ आ, कुल व्यंजनों की संख्या 41 है। नेक्स्ट है मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। नेक्स्ट आगत व्यंजनों की संख्या 2 है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन 6 क धन स, ये 6 होगा, क धन स से मिलके 6, और त्र धन र मिलके त्र, य का ज धन यंग मिलके ज ज्ञ, ये ज है प्लस य है, दोनों मिलके ज्ञ होगा। ये श्र किससे मिले? श प्लस र से श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। और ये देखिए क वर्ग ध्वनियाँ क ख ग घ अंगा हैं, ये च वर्ग ध्वनियाँ च छ ज झ यह हैं। फ्रेंड्स ये देखिए इसमें ये दिया हुआ है, ये जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार हैं। जिह्वा मतलब जो जीभ से बोले जाते हैं वो, ये आधार स्वर के प्रकार 3 हैं, अग्र स्वर मध्य स्वर पश्च स्वर। ये देखिए अग्र स्वर मध्य स्वर पश्च स्वर, अग्र स्वर में ई ई ए ऐ, ये अग्र स्वर हैं, और मध्य स्वर अ, पश्च स्वर आ उ ऊ ओ औ आ, ये पश्च स्वर हैं, ये जिह्वा के आधार पर आधार पर स्वर के प्रकार हैं। नेक्स्ट है ये वर्ण विचार, देखिए स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये 11 हैं स्वर। अनुस्वर अंग, अनुनासिक अंग, विसर्ग अ। आगत ध्वनियाँ अर्धचंद्र, ये आगत ध्वनियाँ हैं। नुक्ता
ये नीचे बिंदी होता है, नुक्ता, व्यंजन, क वर्ग, क ख ग घ ङ, ये च वर्ग है, च छ ज झ ञ, ट वर्ग है, ट ठ ड ढ ळा, त वर्ग है, त थ द ध न, प वर्ग है, प फ ब भ म, ये अंतस्थ है, ये य र ल व श, ये पंचम है, ये अङ य ड न म, ये पंचम है, और ये ज फ दो हैं, ड ड दो हैं, अंतस्थ ये य र ल व हैं, ऊष्म व्यंजन श श श ह आ ह, ये सब 33 व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श्र, ये संयुक्त व्यंजन हैं। और ऊष्म व्यंजन में बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स और ह, ये ऊष्म व्यंजन हैं। आइए देखते हैं, ट वर्ग ध्वनियाँ ट ठ ड ढ अड़ा ढ और ढ, ये दो व्यंजन, ये त वर्ग है ध्वनियाँ त थ द ध न, प वर्ग ध्वनियाँ हैं प फ ब भ म, अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, ऊष्म व्यंजन ये बड़ा स मूर्धन्य स छोटा स और ह, आगत व्यंजन ज फ, ये फ्रेंड्स देखिए संयुक्त व्यंजन है छ त्र ज्ञ श्र, अर्ध स्वर है य व, लुंठित व्यंजन है र, पार्श्विक व्यंजन है ल, ये लुंठित व्यंजन में र आएगा, पार्श्विक व्यंजन में ल आएगा, ऊष्म संघर्षी व्यंजन है स बड़ा स मूर्धन्य स ह, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है ढ ढ, अघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा ये क्या है फ श, ये फ स मूर्, फ बड़ा स और मूर्धन्य स छोटा स, ये देखिए शघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ग तथा ढ ढ ज य र ल व ह एवं सभी स्वर शघोष हैं। अल्प प्राण व्यंजन है प्रत्येक वर्ग में प्रथम द्वितीय प्रथम तृतीय पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण य र ल व, ये अंतस्थ वर्ण वर्ण है, ये महाप्राण व्यंजन है, महाप्राण में प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण, ये बड़ा स मूर्धन्य स छोटा स ह, स श स ह, ये नासिक के व्यंजन है जो नाक से बोले जाते हैं, ये अंग य ण न म, ये कंठ में कंठ वर्ण है अ आ अह क ख ग घ ङ ह, ये देखिए जो तालु से बोले जाते हैं ये तालव्य व्यंजन है, च छ ज झ य श य, ये मूर्धन्य व्यंजन है ट ठ ड ढ ढ अड़ा श, ये दंत व्यंजन जो दांत से बोले जाते हैं त थ द ध न, ये जो ऊंट से बोले जाते हैं व्यंजन वो प फ, ये फ हलंत लगा है नीचे, ये ब भ म, ये दंत्योष्ठ व्यंजन है व, ये दांत और ऊंट दोनों से बोले जाते हैं व, अयोग वाह या अनुस्वार ये है
ऊपर बिंदी, ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है जो आगे दो बिंदी होती है, ये देखिए स्पर्श रहित काकल्य ध्वनि, स्वर यंत्रामुखी, घोष ध्वनि, ऊष्म ध्वनि, ये ह है, ह पे हलंत लगा है। ये देखें फ्रेंड्स, ये स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान क्या है, स्वर का वर्गीकरण ये देखिए और उच्चारण स्थान, ये उच्चारण स्थान है, किससे बोले जाते हैं, ये हर्ष स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, ये निरानुनासिक मौखिक स्वर है और ये अनुनासिक स्वर है। आइए देखते हैं, ये कंठ, कंठ से जो बोले जाते हैं हर्ष, हर्ष स्वर में अ है, दीर्घ स्वर में आ है, जो कंठ से बोले जाते हैं निरानु नासिक मौखिक स्वर हैं, ये अ आ, और अनुनासिक स्वर में अंग आ, जो तालु से बोले जाते हैं मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, जो तालु से बोले जाते हैं ई, ये है छोटी ई, दीर्घ स्वर, ये निरानुनासिक मौखिक स्वर है ई, फिर उसके बाद है ये अनुनासिक स्वर ई, ये बड़ी है, नहीं सर, नहीं फ्रेंड्स, ये जो है ई है, ये इस पे चंद्रबिंदु है, ये अनुनासिक स्वर है। ये देखिए मूर्धा स्वर में, ये मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, ये मूर्धा स्वर है, ये कंठ तथा तालु दोनों से बोले जाते हैं, एक इसको कंठ तालव्य कहते हैं, ये ओष्ठ तथा कंठ दोनों से बोले जाते हैं, ये कंठोष्ठ है इसको बोलते हैं। ये देखिए हर्ष स्वर में री है, दीर्घ स्वर में ये जो मूर्धा स्वर है ये ए ऐ ओ औ है। आइए देखते हैं अनुनासिक निरानुनासिक, ये इसमें नहीं है, निरानुनासिक में तो मौखिक में कंठ से जो बोले जाते हैं ई है, फिर उसके बाद ई है। ये देखिए होष्ठ या ओष्ठ से जो बोले जाते हैं हर्ष स्वर में उ और दीर्घ स्वर में ऊ है। फ्रेंड्स वीडियो समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, टेक केयर।